पैदल चल रहा हूँ। अच्छा गाड़ी चाहिए। ठीक है। जीवन के सफर में सवारी चाहिए। ठीक है समझ गया। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी तो? मिस खिलाड़ी चाहिए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं 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 गाइस, फिलहाल तो मुझे ना एफिशिएंटली चलने वाला एक्सपी फार्म चाहिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो वही बनेंगे आज हम लोग, ठीक है? तो ओके गाइस, यार स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग गाइस फिर एक बार खेल रहे अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, ठीक है? ओके। तो गाइस पिछली वीडियो में हम लोग ये इलाइट्रा लेकर आए थे मस्त एकदम। इसको मैंने एंचेंट किया है, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग लगाई है एंचेंटमेंट इसमें। मैंने आपको इससे ना एक उड़ान भर के दिखाता हूँ फटाफट। मैंने थोड़े से रॉकेट्स क्राफ्ट कर लिए है, ठीक है? हमें ना ओके ऐसा उड़ना है अपने को। ओके गाइस, तो ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसा अपना विलेज दिखता है, ठीक है? तो गाइस फिलहाल अपना विलेज ना कुछ खास दिख नहीं रहा, ये आधे टूटे फूटे ये पहाड़ों की वजह से। मैं ना ये गाइस पहाड़ उड़ाने की सोच रहा हूँ। ये हमारे विलेज का पूरा एरिया हम लोग बड़ा करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी बिल्ड करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में हम लोग गाइस बनाने वाले हैं एंडरमैन एक्सपी फार्म, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिर एक बार एंड में। आज की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम फिर एक बार जाएंगे एंड में। तो एंडरमैन एक्सपी फार्म के लिए मैं अबे ये क्या हुआ अभी, अरे क्या हुआ इसको, ठीक है? तो एंडरमैन एक्सपी फार्म के लिए मैं गाइस फटाफट है ना सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है समझ गया। हाँ तो गाइस यार सामान इकट्ठा करने की वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो पाई क्योंकि यार मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। चलो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या सामान इकट्ठा किया है, ठीक है? तो पिछली वीडियो में मैं जो ये शल्कर बॉक्सेस लेकर आया था उसमें मैंने सारा सामान भर दिया है। आपको फटाफट दिखा देता हूँ क्या क्या सामान है। तो इस वाले शल्कर बॉक्स में सारे के सारे मैंने स्टोन ब्रिक्स लिए है। इतने सारे स्टोन ब्रिक्स वैसे इस्तेमाल में नहीं आने वाले, ठीक है? और इस वाले शल्कर बॉक्स में बाकी सारा सामान है जैसे कि ये हॉपर्स वगैरह ये सारा हो गया, और ये सब कुछ आप लोग देख लेना, ठीक है? तो वैसे गाइस ये वाला एक्सपी फार्म था अपने पास लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं है शुरुआत के लिए, ठीक है? एंट्री लेवल एक्सपी फार्म है ये, तो शुरुआत में जम जाता है लेकिन जैसे जैसे अपना गेम आगे बढ़ता है तो अपने को यार गाइस बहुत सारे एक्सपी की जरूरत होती है। इस वजह से ये वाला एक्सपी फार्म अभी अपने को उतना मतलब यूजफुल नहीं लग रहा, इसलिए मैं और अच्छा एक्सपी फार्म बनाने की आज कोशिश करूंगा, ठीक है? तो हम लोग फटाफट चलते हैं गाइस एंड के लिए। मैं ये शल्कर बॉक्सेस इन्वेंटरी में फटाफट ले लेता हूँ, ठीक है? और रॉकेट्स वगैरह खाना वगैरह मैंने बहुत सारा ले लिया है, ठीक है? अभी फटाफट चलते हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। इस तरफ है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। आज वैसे दो बार मैं चलकर गया था, आज हम लोग इलाइट्रा के साथ जाएंगे, ठीक है? कितना टाइम लगता है हम लोग देख लेते हैं चल के। वैसे मुझे 10-15 मिनट लगते हैं आज इलाइट्रा के साथ, कितना टाइम लगता है हम लोग देख लेते हैं। A few inches later. Okay guys, तो ये देखिए सामने की तरफ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की एंट्रेंस है। जिनके 2-3 मिनट लगे होंगे मुझे यहाँ तक आने में, ठीक है? वैसे अबे यार क्या होता है यार, वैसे चल के आने में 10-15 मिनट तो लगते हैं यहाँ तक, लेकिन इलाइटर से यार फटाफट पहुंच चुका हूँ मैं। अबे यार एक काम करता हूँ, मैं ये वाटर बकेट हाथ में ले लेता हूँ और फटाफट नीचे उतरते हम लोग। अबे ओके, और यहाँ से यार इस बार नहीं हो पाई वाटर बकेट ट्रिक, इस बार होनी चाहिए नहीं हुई नहीं। अबे यार मरते बचो, आधे हार्ट मेरे चले गए। A few inches later. ओके गाइस, तो हम लोग एंड में आ चुके हैं, थोड़ा सा लैग हो रहा है, ठीक है? तो फटाफट ऊपर की तरफ चलते हैं। ओके यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 दिनों पहले एंडर ड्रैगन को कूटा था और फिर यहाँ से हम लोग ये इलाइट्रा लेकर आ चुके हैं। मैं गाइस फटाफट है ना हमारे एक्सपी फार्म के लिए जगह ढूंढ लेता हूँ, किस जगह पर हम लोग बना सकते हैं हमारा एक्सपी फार्म। एकदम एज पे बनाना होता है तो ये जगह मुझे अच्छी लग रही है हमारे एक्सपी फार्म, या फिर हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं हमारे ये एंड गेटवे के एकदम साइड में बगल में एकदम। तो गाइस मुझे लगता है हमारे एक्सपी फार्म मुझे यहीं पर बनाना चाहिए। वैसे एक्सपी फार्म यहाँ पे नहीं बनने वाला, यहाँ से थोड़ा आगे जाकर हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? मैं फटाफट सामान निकाल लेता हूँ हमारे शल्कर बॉक्स में से। तो सबसे पहले मुझे लावा बकेट चाहिए, ठीक है? और लावा को मुझे ना यहाँ पर एकदम एज पे जाकर यहाँ से बहा देने का है नीचे की तरफ। तो लावा अपने को एकदम नीचे तक जाने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है?
थोड़ा टाइम लगा ये लावा नीचे तक जाने का, वेट कर लेते ठीक है। शायद गाइस अपना लावा नीचे एकदम पहुंच चुका है ठीक है, शायद पहुंच चुका है ठीक है। तो अभी हमें ना गाइस ये वाटर बकेट लेनी है और इसके एकदम साइड में रखनी है अपने को ठीक है, और वाटर को भी नीचे तक जाने का अपने को वेट करना पड़ेगा। पानी फटाफट जा रहा है ठीक है, और ये पानी A few inches later. अभी पहुंच चुका है ठीक है, और अभी एकदम खतरनाक चीज करने की अपने को। अबे ये दो दो वाटर बकेट्स कहाँ से लेकर आया मैं, यहाँ से अपने को ये पानी से नीचे की तरफ जाना है। ओके एकदम आराम से जाना है, नीचे गिरना नहीं है मुझे वॉइड में। ओके गाइस तो नीचे की तरफ शायद मैं पहुंच चुका हूँ क्या। ओके तो यहाँ पर नीचे आकर शायद मैंने गलत ये लीव लगाया है। ओके अभी सही से लगाया है और इसको तोड़ना है ठीक है। तो यहाँ पर अपने को नीचे की तरफ एकदम बॉटम में कॉबल स्टोन्स पे अपने को ये लीव लगाना है ठीक है, मतलब ये इसको लीव्स ही कहते हैं शायद, और ओके ठीक है ओक लीव्स। तो यहाँ पर ये लीव्स लगाने अपने को, अभी अपने को ये लैडर्स लेनी है ठीक है। लैडर्स लेके यहाँ से ऐसे लगाते हुए अपने को ऊपर की तरफ जाना है, ये बीच का रह गया लैडर। A few minutes later. तो गाइज लैडर्स लगाकर हो चुके हैं, अभी मैं फटाफट ये पानी बुझा देता हूँ। बुझाने की कोई जरूरत नहीं है, वाटर बकेट में भर लेता हूँ, पानी बचाना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये येलो वाले शल्कर बॉक्स में से मैं गाइज थोड़े से स्टोन ब्रिक्स भी निकाल लेता हूँ, और यहाँ से अभी नीचे चलते हैं। ध्यान से नीचे उतरना है अपने को, ओके एकदम ध्यान से नीचे उतरना है अपने को। ओके गाइज तो ये नीचे की तरफ मैं आ चुका हूँ, और यार चारों तरफ वॉइड है मेरे, ऊपर की तरफ ये प्लेटफॉर्म है, इसको क्या कहते हैं एंड वाला प्लेटफॉर्म मैं कह देता हूँ। यहाँ पर ना जो काम करना है मुझे वो बड़े ध्यान से करना है, एक एक कदम एकदम फूक फूक के रखना है मुझे ठीक है। यार जरा सा भी नीचे गिरा ना मैं, यार खेल खत्म है मेरा ठीक है। तो यहाँ से ना अभी अपने को ये लीव्स का पाथ है ना 128 ब्लॉक्स तक अपने को एक्सटेंड कर देने का, फटाफट कर देता हूँ मैं। 1 2 3 तीन ब्लॉक्स मैंने, मतलब तीन लीव्स मैंने लगा दिए हैं, और ये 4 5 128 लगाने हैं, फटाफट कर देता हूँ। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। चल 346 minutes later. Okay guys, तो 128 blocks का oak leaves का मैंने path यहाँ पर बना दिया है ठीक है। मैंने ये एक बार भी shift button जरा भी छोड़ा नहीं है ठीक है। अगर जरा सा भी छोड़ा ना और इधर उधर हुआ तो यहाँ से अपन का खेल खत्म हो सकता है guys ठीक है। Okay तो guys अभी ना अपने को ये stone के bricks लेने हैं, और यहाँ पे एक अपने को guys 9x9 का एक platform बनाना है, फटाफट बना देता हूँ मैं ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9 bricks लगा दिया है, अभी इसके चारों तरफ और लगा देता हूँ। मतलब यार बेसिकली 9x9 का अपने को प्लेटफॉर्म बना देना है, फटाफट बना देता हूँ यार मैं। चलो ओके ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 9x9 का प्लेटफॉर्म बन चुका है, और बीच में अपने को इस प्रकार से होल रखना है ठीक है। यहाँ पर अपने हॉपर्स लगेंगे, और हॉपर्स लगाने से पहले ना गाइज यहाँ पर आने का है। यार मैं गाइज जरा भी ये शिफ्ट बटन छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार क्या करें यार, चारों तरफ ये वॉइड है और जरा सा भी इधर उधर हो गया ना तो यार आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले ना अपने को ये दो ब्रिक्स तोड़ने पड़ेंगे, और यार वैसे मैं चेस्ट लेकर आया हूँ ना, चेस्ट मुझे नहीं लगता। ओके ओके चेस्ट लेकर आया हूँ मैं, यहाँ पर एक चेस्ट लगा देता हूँ और यहाँ पर दूसरी चेस्ट, और ये हॉपर्स हमें गाइज इन चेस्ट के पीछे की तरफ लगाने हैं कुछ इस प्रकार से, फटाफट लगा देता हूँ मैं बाकी के हॉपर्स भी। ओके गाइज तो यहाँ पर चेस्ट और हॉपर्स भी लगाकर हो चुके हैं। अभी अपने को यहाँ से ये वुल लेने हैं, वुल खे वुल ले चुका हूँ मैं, और इन वुल्स को इन हॉपर्स के ऊपर लगा देने का है। ओके कुछ इस प्रकार से, शिफ्ट बटन अपने को छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए। ओके गाइस तो नीचे का प्लेटफॉर्म बन चुका है, अभी अपने को ना दो ब्लॉक्स ऊपर ऐसा ही सेम टू सेम प्लेटफॉर्म बनाना है, फटाफट बना देता हूँ मैं। प्लेटफॉर्म क्या बोल रहा हूँ यार, प्लेटफॉर्म यस। ओके गाइस तो सेम टू सेम प्लेटफॉर्म यहाँ पर मैंने बना दिया है, अभी अपने को ना, अबे यार ये कारपेट्स मैंने इसमें खाली फुकट रख दिए, इनकी अभी जरूरत है अपने को, तो कारपेट्स लेने हैं अपने को, और इनको ना ऐसे साइड से कॉर्नर से ऐसे कुछ लगाना है अपने को, फटाफट लगा देता हूँ मैं।
ओके गाइस, तो कुछ इस प्रकार से अपने को डबल लेयर में कारपेट्स लगाने थे, मैंने फटाफट लगा दिए हैं। ओके, अभी अगला काम करते हैं फटाफट। ओके गाइस, तो अभी अपने को ना एक मिनट, मैं सबसे पहले ये वाला शल्कर बॉक्स ले लेता हूँ। तो अभी अपने को ये वाला क्या कहते हैं इसको, शल्कर बॉक्स लेना है इसको। अभी यार ये हवा में कैसे लगाया। ठीक है, तो मैं सारे स्टोन ब्रिक्स अभी ले रहा हूँ। ठीक है, अभी इन स्टोन ब्रिक्स का ही काम है अपने पास, मतलब अपने को। तो अभी ना अपने को ये स्टोन ब्रिक्स को कुछ इस प्रकार से लगाने का, ओके ऐसे लगाने का है। ठीक है, एक मिनट। A few inches later. हाँ ओके गाइस, तो ये वाला अपने को तोड़ना पड़ेगा, ये ऊपर का मैंने गलत लगाया था। तो यहाँ पर ना गाइस कुछ इस प्रकार से अपने को स्टोन ब्रिक लगाना था, मैंने लगा दिया है। और इसको ना गाइस स्क्वायर शेप में पूरा लगाने का है अपने को। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ये बना देने का है। और गाइज ऐसे स्क्वायर्स ना अपने को अभी ऊपर तक बहुत सारे बनाने हैं। कितने बनाने हैं, जहाँ तक अपन वाई लेवल 44 तक नहीं पहुँच जाते, 44 तक नहीं पहुँच जाते तब तक अपने को ऐसे तब तक अपने को ऐसे ये स्क्वायर्स बना देने के। ठीक है, मैं फटाफट बना देता हूँ। ओके ओके, और ये नीचे की मैं डर्ट तोड़ देता हूँ, और यहाँ पर एक और ये वाला स्क्वायर बना देता हूँ मैं। ओके, बहुत सारे दिन बीतने के बाद। ओके यार गाइस, तो ये वाली उंगली ना मेरी दर्द करने लगी है, ये शिफ्ट की पकड़ पकड़ कर। और अपने ये गाइस वाई लेवल 44 तक ये स्क्वायर शेप में रिंग्स ये बनाकर, जो कुछ भी मैंने बनाए हैं ये बनाकर हो चुका है वाई लेवल 44 तक। आपको दिखा देता हूँ वैसे। अबे ये क्या है, अपडेट डिस्प्ले, ये शिफ्ट की और F3 दबाने से ये क्या ओपन हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना ये सर्कल में क्या बना है। ठीक है, तो वाई लेवल में 44 पे हूँ अभी फिलहाल, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो गाइज अभी अपने को यहाँ पर एंडरमैन्स के लिए स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से अपने को एक और दो सेट, अबे इतना नहीं करना था रे, अबे यार ये ज्यादा ही हो गया। वैसे 13 ब्लॉक्स तक एक्सटेंड करना था मुझे, मैं फिर से गिन लेता हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ठीक है, 13 ब्लॉक्स तक अपने को एक्सटेंड कर देने का इधर, और चारों तरफ ऐसे ही मुझे ये करना है। और पूरा इधर गाइज एंडरमैन्स के लिए प्लेटफॉर्म बना देने का है, मैं फटाफट बना देता हूँ। ओके गाइस, तो ये स्क्वायर शेप वाली रिंग्स कुछ इस प्रकार से दिख रही है, और वहां पर एक 2-3 एंडरमैन स्पॉन भी हो चुके हैं, मतलब अपना फार्म गाइस काम करना शुरू कर चुका है। यस, मैं फटाफट ये वाला प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर लेता हूँ। Many hours later. ओके गाइस, तो यहाँ पर एंडरमैन के लिए स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका है, मगर यार यहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन हो चुके हैं। अभी यार आगे का काम कैसे करूँ यार मैं इनके बीच में। अरे यार ठीक है, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ मैं। A few inches later. तो गाइज इधर मैंने अभी एक सेटअप बिठा दिया है, इसके अंदर अपने को अभी जाना है। और अभी ना अपने को गाइज इधर एक एंडर माइट स्पॉन करने का है। एंडर माइट जिन लोगों को नहीं पता, तो वो एंड में स्पॉन होता है, इसको ना ऐसे मारना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, एंडर पर्ल को ऐसे बार बार मारना पड़ता है तो वो स्पॉन होता है। होगा क्या, जल्दी हो जा साले, अबे जल्दी हो जा, हो जा। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पर एक एंडरमाइट आ चुका है, और ये इस कार्ट में भी बैठ चुका है। मगर ना गाइस इसको ना मैंने नाम दिया था नेम टैग से, चिंटू नाम दिया था वैसे मैंने इसको, लेकिन यार वो दिख क्यों नहीं रहा यार। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम हो चुका है, तो मैं नए काम करता हूँ, ये जो डर्ट है ना वो फटाफट हटा देता हूँ। ओके गाइस, तो अपना एंडरमैन एक्सपी फार्म अभी एकदम बन के रेडी हो चुका है। बेसिकली ये काम कैसे करता है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर ये एंडरमैन्स का स्पॉनिंग एरिया है, और यहाँ पर एक एंडरमाइट नाम का एक मॉब मैंने इस वाले कार्ट में रखा है। तो एंडरमैन्स बेसिकली क्या है, इस वाले मॉब को मारने जाते हैं, और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स है, तो यहाँ पर जाने का कोशिश करते हैं, और इस खड्डे में वो जाकर गिर जाते हैं। और नीचे की तरफ मैंने उनको मारने के लिए बनाकर रखा है, मैं फटाफट नीचे भी जाकर आपको दिखा देता हूँ। ओके ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ पर गाइस बहुत सारे एंडरमैन आ चुके हैं, हम लोग बेसिकली इनको यहाँ पर मार सकते हैं।
प्रकार से डर गई। आवाज देखिए, आवाज आवाज देखिए, आवाज और मेरी एक्सपी देखिए, एक्सपी आप एक्सपी देखिए, एक्सपी एक्सपी देखिए गाइस, आप एक्सपी देखिए गाइस, एक्सपी देखिए, एक्सपी। तो यार गाइज मस्त एकदम अपना एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये वाले वीडियो मैं अभी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तब तक यार आप लोग गाइज इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।